मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। कनाडा के मशरकी सूबों में समुद्री तूफान फियोना के बाद बहाली के काम जारी। हजारों अफराद तहाल बिजली से महरूम। मुतासर इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुतासर। कनेडियन हुकूमत का कोरोना वायरस के सबब लगाई जाने वाली सफरी पाबंदियां ख़त्म करने का ऐलान। हवाई जहाज़ों और ट्रेनों में मास्क पहनने की पाबंदी भी नहीं होगी। वजीर सेहत का कहना था कि पाबंदियां ख़त्म करने का मतलब ये नहीं, वबाई मर्ज़ ख़त्म हो गया है। कनाडा का ईरान में जारी मुजाहिरों पर रद्दमल। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने ईरान की अहम शख्सियात पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। ट्रूडो का कहना था कि ईरान में खवातीन मुजाहिरीन की मुकम्मल हिमायत करते हैं। इस्तांबुल के एयरपोर्ट पर अराइवल टर्मिनल पर रूसियों का हुजूम। जॉर्जिया की सरहद पर लंबी कतारें लग गई हैं। मुल्क छोड़ने पर रूसी शहरियों का मौकफ सामने आ गया। क्यूबा और अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा को तूफान आईएन का सामना। तूफान बुध या जुमरात को अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के साहिल से टकराएगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने फ्लोरिडा की 24 काउंटीज के लिए हंगामी इमदाद की मंजूरी दे दी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. कनाडा में तबाहकुन समुद्री तूफान के बाद हज़ारों अफराद तहाल बिजली से महरूम हैं, जबकि तूफान से मुतासर इलाकों में शहरियों को मोबाइल और इंटरनेट सर्विस की फराहमी भी मुतासर हुई है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा के मशरकी सूबों में समंदरी तूफान फियोना के बाद बहाली के काम जारी हैं। कनाडा में तबाहकुन समंदरी तूफान के बाद हज़ारों अफराद तहाल बिजली से महरूम हैं, जबकि तूफान से मुतासर इलाकों में शहरियों को मोबाइल और इंटरनेट सर्विस की फराहमी भी मुतासर हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 75,000 सार्फीन अब भी बिजली से महरूम हैं, जिनको यूटिलिटी कंपनी की तारीख का सबसे बड़ा बहाली प्रोजेक्ट करार दे रही है, जो पोस्ट ट्रॉपिकल तूफान फियोना के तनाजर में है। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में 100 से ज्यादा फौजी अरकान सूबाई अमले के साथ कटे हुए दरख्तों को हटाने और बिजली के खंभों की मुरम्मत में मदद के लिए काम कर रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेलीकॉम के मसाइल के बारे में पूछे जाने पर वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि फियोना एक बहुत मुश्किल तूफान था, जिसने बहुत से लोगों की संगीन पेशन गोइयों से भी तजावुज किया। ट्रूडो ने कहा, यकीनन हमेशा सीखने के लिए सबक होते हैं। हमने डॉरियन के बाद से सबक सीखे हैं और उन पर अमल दरामद किया है। इस बारे में मज़ीद सीखने की ज़रूरत होगी कि हम लोगों को किस तरह महफूज रखते हैं। उसके पेश नज़र आने वाले बरसों में बदकिस्मती से शदीद मौसमी वाकयात का इम्कान ज़्यादा होने वाला है। कनेडियन हुकूमत ने अक्टूबर से कोरोना से मुतालिक तमाम सफरी पाबंदियाँ ख़त्म करने का ऐलान किया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कैनेडियन हुकूमत ने अक्टूबर से कोरोना से मुतालिक तमाम सफरी पाबंदियां ख़त्म करने का ऐलान किया है। कैनेडियन हुकूमत के मुताबिक मुसाफरों पर कोरोना टेस्टिंग, क्वारंटीना और हेल्थ सर्टिफिकेट पेश करने की पाबंदी नहीं होगी, जबकि हवाई जहाज़ों और ट्रेनों में मास्क पहनने की पाबंदी भी नहीं होगी। इस हवाले से हुकूमत कनाडा ने कहा कि 1 अक्टूबर से कनाडा में कोरोना वायरस की तमाम सरहदी और सफरी पाबंदियाँ ख़त्म की जा रही हैं। वजीर सेहत का कहना था कि ये फैसला इस बात की अलामत नहीं है कि कनाडा वबाई मर्ज से बाहर है, लेकिन हुकूमत के आदाद व शुमार से जाहिर होता है कि वायरस की नई इकसाम की दरामद का मुल्क में वायरस के फैलाव पर अब कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई समझता है कि वबाई मर्ज ख़त्म हो गया है, तो मैं उन्हें अस्पताल जाने की दावत देता हूँ। ये इकदाम MPs और सरहदी शहर के मेयर्स की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और अमरीकी सदर जो बाइडन को एक खुला ख़त शाया करने के बाद सामने आया है, जिसमें उनसे कहा गया है कि वो सरहद पर गैर ज़रूरी कवानीन को ख़त्म करें। उनके बकौल इस इकदाम से सरहदी बरादरियों को मौशी तौर पर बहाल करने का मौका मिलेगा।
कनाडा की जानिब से ईरान की अहम शख्सियात और आला ओहदेदार के खिलाफ पाबंदियां आयद करने का फैसला किया गया है। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा की जानिब से ईरान की अहम शख्सियात और आला ओहदेदारों के खिलाफ पाबंदियां आयद करने का फैसला किया गया है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया है कि कनाडा दर्जनों ईरानी शख्सियात और इदारों पर पाबंदियां आयद करेगा, जिसमें मुल्क की नाम नहाद इखलाकी पुलिस भी शामिल है, क्योंकि ईरान में सिक्योरिटी फोर्सेस मुजाहरीन के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। इस माह ईरान की इखलाकियात पुलिस के हाथों हिरासत में लिए जाने के बाद एक 22 साल खातून महसा अमीन की मौत के बाद ईरान मुजाहरों से लरज उठा है। ये मुजाहरे ईरान के तमाम 31 सूबों में फैल चुके हैं, जब लोग सड़कों पर निकलकर ईरान की हुकूमत और पुलिस के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक मुजाहरों के दौरान कम अज कम 41 अफराद हलाक हो चुके हैं। रियासत ने मुजाहरीन के खिलाफ बराह रास्त गोला बारूद तैनात किया और मगरबी ईरान के कुर्द इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस को बढ़ा दिया है, जहां मुजाहरों पर तवज्जो मरकूज की गई है। ट्रूडो ने कहा कि हम ईरान में एहतजाज करने वाली खवातीन और उनके हिमायत करने वालों के साथ हैं। रूस की यूक्रेन के खिलाफ शदीद जंग की तैयारियां देखकर रूसी शहरियों ने मुल्क छोड़ना शुरू कर दिया है। रूसी शहरियों के लिए इस्तांबुल पहली पसंदीदा मंजिल है, जहाँ वो बगैर वीजा भी आ सकते हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। मुल्क छोड़ने पर रूसी शहरियों का मौकफ सामने आ गया है। उनका कहना है कि जंग खत्म होने का कोई इम्कान नहीं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रूस की यूक्रेन के खिलाफ शदीद जंग की तैयारियां देखकर रूसी शहरियों ने मुल्क छोड़ना शुरू कर दिया है। रूसी शहरियों के लिए इस्तांबुल पहली पसंदीदा मंजिल है, जहां वो बगैर वीजा भी आ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में जंग के लिए रिजर्व फोर्स को मुतहरिक करने के ऐलान के बाद रूसी शहरी बड़ी तादाद में मुल्क छोड़ने लगे हैं। अगर एक तरफ इस्तांबुल के एयरपोर्ट पर अराइवल टर्मिनल पर रूसियों का हुजूम है, तो दूसरी तरफ जॉर्जिया की सरहद पर लंबी कतारें लग गई हैं। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर रूसी शहरियों ने शनाख्त जाहिर ना करते हुए अमरीकी मीडिया को बताया कि मुस्तकिल करीब में जंग खत्म होने का कोई इम्कान नजर नहीं आता, इसलिए वो रूस छोड़ रहे हैं। शहरी ने बताया कि सभी अफराद से पुलिस वालों ने पूछताछ भी की। सवालात किए गए कि आपने ये टिकट कब खरीदा, मकसद क्या है, क्या आपने फौज में सर्विस की, कब की। वाज़ह रहे कि चंद दिन कबल सदर प्यूटन ने ऐलान किया था कि यूक्रेन में लड़ने के लिए अस्करी तरबियत पाने वाले शहरियों पर मुश्तमिल 3 लाख फोर्स भेजी जाएगी। दूसरी तरफ रूस में जंग मुखालिफ शहरियों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला भी जारी है, जिस पर 38 मुख्तलिफ शहरों से 1,003 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। उधर रूस में मुतनाज़ शहरों की शमूलियत के लिए रेफरेंडम हो रहा है, तो उधर यूक्रेन के शहर मेलिटोपोल में पोलिंग शुरू हो गई, जहां सरकारी मुलाजमीन ने वोट कास्ट किया। क्यूबा में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला भी जारी है। मुतासर सूबों के दरमियान चलने वाली ट्रेन और बस सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। क्यूबा और अमरीका की रियासत फ्लोरिडा को तूफान आईएन का सामना है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक क्यूबा के 6 सूबों में हंगामी अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्यूबा में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला भी जारी है। मुतासिरा सूबों के दरमियान चलने वाली ट्रेन और बस सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्यूबा के बाद तूफान बुध या जुमेरात को अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के साहिल से टकराएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शदीद बारिशों और सैलाब के खतरे की वजह से फ्लोरिडा की 67 काउंटीज में हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने फ्लोरिडा की 24 काउंटीज के लिए हंगामी इमदाद की मंजूरी दे दी है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।